मैं कह रहा था कि बारिश हो जाएगी, मेरा जो दोस्त है वो कह रहा था कि वो स्नोफॉल हो जाएगी, तो हाँ यार ना स्नोफॉल हुआ ना ही बारिश हुई ना। भाई ठीक हुआ कि नहीं? नहीं यार, फिर कैसे सो पाया आज रात को ये बताओ? सो ही नहीं पाया मैं। वोट किसको दे रहे हो? ओनली सीएनआईसी ही नहीं, सीएनआईसी है ही नहीं इसके पास। Assalamualaikum. So, hey guys, what's up everybody? Welcome back to the channel and welcome back to another vlog. तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? ओके गाइज, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। यार इस टाइम कोई दोपहर के 1 बज रहा है यार, एंड द थिंग इज मैं मस्त यहाँ पे धूप में बैठा था, धूप सेक रहा था यार, क्या ही मजे की धूप निकली हुई है एज यू गाइज कैन सी। लाइक यार कल तो फुल ठंडी मौसम हो रही थी, फुल क्लाउडी वेदर मौसम हो रहा था। मैं कह रहा था कि बारिश हो जाएगी, मेरा जो दोस्त है वो कह रहा था कि वो स्नोफॉल हो जाएगी, तो हाँ यार ना स्नोफॉल हुआ ना ही बारिश हुई ना कुछ, बस जाके अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह की मर्जी से धूप निकल चुकी है यार, जिस तरह आप लोग देख सकते हो। बाकी अभी मैंने चेंज चेंज कोई नहीं किया, जस्ट मैं सो के उठा था, उठ के यहाँ पे बैठा था, जिसकी वजह से ये वाला कोट मैंने पहन लिया है, नीचे ये वाला स्वेट शर्ट कह लो या कुछ भी कह सकते हो। तो अभी मुझे जाना है, जाके खाना शाना खाना है, एंड आज इस धूप को देख के आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज मज़े का वेदर हो रहा है। तो एकेडमी से आने के बाद मैं जाऊंगा इंशाल्लाह मोटो व्लॉग शूट करने। तो अभी सबसे पहले मैं जाता हूँ, जाके चेंज चेंज करता हूँ एंड उसके बाद खाना शाना खाता हूँ, फिर एकेडमी के लिए रेडी होते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं अपने एकेडमी। अभी आ जाओ, मैं ये सारे काम निपटाता हूँ एंड इन कामों से फ्री होकर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। घर से जाके खाना शाना खाने के बाद एंड साथ ही एकेडमी के लिए रेडी होकर मैं निकल चुका हूँ गाइस। अभी आ जाओ, अभी चलते एज ऑलवेज यहाँ से मैं चलता हूँ अपने दोस्त के पास। घर से मैं निकल चुका हूँ यार, अभी आ जाओ, अभी मैं चलता हूँ जाके अपने दोस्त को लेके चलता हूँ एकेडमी। बाय द वे क्या ही मस्त वेदर हो रहा है यार आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह से आज तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, वहाँ पे हुआ करता था इस जगह पे, अभी वही वहाँ पे नहीं है गाइस। पता नहीं घर में हो या क्या है, लाइक अभी कोई 2 बज रहे यार, तो जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि 2 बजे क्लास स्टार्ट होता है यार। तो आ जाओ, मैं चलता हूँ यहाँ से डायरेक्ट दोस्त के अपने दोस्त के पास, वहाँ से जाके उसको लेके चलता हूँ एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे आसिम, क्या हाल चाल भाई? ठीक हुआ कि नहीं? नहीं यार, फिर कैसे सो पाया आज रात को ये बताओ? सो ही नहीं पाया मैं सच में। मुझे भी काफ़ी टेंशन हो रहा था जब मैं कल व्लॉग एडिट कर रहा था उस टाइम, साथ में इतना पता नहीं चल रहा था यार, इसकी बाइक ख़राब हो चुकी है जिस तरह आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देख लिया होगा। तो जो यार चलते यहाँ से एकेडमी। फाइनली गाइस हम लोग एकेडमी पहुँच चुके हैं यार, बाय द वे यहाँ रोड पे सारी हर तरफ गाड़ियाँ है, आई थिंक सो के जलसा है यार आज किसी पार्टी का, क्योंकि आपको पता है वोट सीजन चल रहे। वोट में खड़े हो रहे हो कि नहीं यार? आप वोट किसको दे रहे हो? सीएनआईसी ही नहीं, सीएनआईसी है ही नहीं इसके पास, लेकिन मेरा सीएनआईसी तो अभी आना है गाइस, एज यू गाइस नो। तो अभी आ जाओ यार, चलते हैं जाके क्लास अटेंड करते हैं एंड फिर आप लोगों से मिलता हूँ। 2 hours later. ओके गाइस, अभी इस टाइम कोई 4 बज रहे आई थिंक सो। हम लोग आज के भी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गए यार। इस बंदे ने होमवर्क किया है वो भी क्लास में ही, सबको बता रहा है, बड़े खतरनाक लोग है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे यार, इसकी जो बाइक है उसको देखना है थोड़ा बहुत कि क्या मसला है। मैं अपने बाइक से कुछ चीज़ें निकाल के इसके बाइक में लगा के देखूंगा, अगर तो वो काम कर गया तो वो चीज़ें मंगवा के इसके बाइक में लगाएंगे, अगर तो वो काम नहीं कर गया, अगर तो वो नहीं हो गया तो उसको गाड़ी में लोड करके उसको बाज़ार में ही लेके जाना पड़ेगा यार अदरवाइज। तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं घर, घर में जाके आप लोगों से मिलता हूँ। एकेडमी से होके हम लोग आ गए यार, एंड द थिंग इज आते आते मैं अपने दोस्त के घर से होके आ गया हूँ, लाइक यार उसकी बाइक के पास से जाके ये वाला जो चीज़ है ये निकाल के आ चुका हूँ। यूनिट कहते हैं इसको आई थिंक सो, कि लाइक यार स्टार्ट नहीं हो पा रहा वो बाइक, तो इसको मैं अपनी बाइक पर लगा के देखूँगा, अगर तो ये ठीक रहा तो दूसरी कोई इशू होगा उसकी बाइक में, अगर तो ये भी ठीक नहीं है तो ये चेंज करना पड़ेगा उसको। तो जाके मैं अपने बाइक पर लगा के देखता हूँ इसको। तो हाँ मैं सोच रहा हूँ यार आज मोटो व्लॉग करने जाऊँ या ना जाऊँ, देखते हैं वो तो बाद में पता चलेगा। अभी सबसे पहले मैं घर जाता हूँ, घर में आ चुका हूँ यार, अभी मैं चाहता हूँ जाके बैग शेक रख के आता हूँ एंड उसके बाद ये वाला जो चीज़ है इसको मैं अपने बाइक पे लगाऊंगा, लेकिन यार वो वाले बाइक पे, ये इस वाले में नहीं, उस वाले बाइक पे लगाऊंगा इसको। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये सही भी है या नहीं, यूजुअली इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो पाता है बाइक अगर ये डैमेज हो जाए तब। तो आ जाओ यार मैं चलता हूँ, इसको यहाँ पे रख के जाऊंगा अपनी बाइक के ऊपर यहीं पे, लाइट्स अंदर ऑन है, इनको ऑफ करता हूँ, यहाँ रूम में ये लाइट्स ऑन है। तो आ जाओ गाइस, अभी मैं चलता हूँ जाके घर से जाके बैग शेक रखता हूँ एंड साथ चाय शाय पी के आने के बाद
ये जो चीज़ मैं लेके आ गया हूँ यार, अपने दोस्त की बाइक से निकाल के इसको टेस्ट करते हैं यार। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं चलता हूँ जाके चाय शाय पीता हूँ एंड देन आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, घर से जाके चाय शाय पी के एंड बैग शेक रह के अभी मैं आ चुका हूँ यार अपनी बाइक की चाबी लेके। मेरा जो भाई है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, नहीं तो मैं उसकी बाइक पे लगा के देख लेता मेरे बाइक के अंदर फ्यूल है भी या नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि काफी दिनों से मैं उसको वहीं पे पार्क किया था। तो आ जाओ यार, भी चलते जाके देखते क्या सीन बनता है। अपनी बाइक की चाबी लेके आ चुका हूँ यार, सबसे पहले अपनी बाइक निकालता हूँ एंड मुझे नहीं कन्फर्म लाइक यार इसके अंदर पेट्रोल है भी या नहीं, क्योंकि कितने अरसे हो गए यार मैंने इसको कोई नहीं चलाया हो। बाकी ये यूनिट है मेरे पास मेरे दोस्त की, ये मैं चेक करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा जो बाइक है इसको बाहर निकालते हैं यार, यहाँ लेके आते एंड फिर ये इसके अंदर इंस्टॉल करके देखते हैं। तो अपना बाइक मैंने निकाल दिया है यार, जिस तरह आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपनी बाइक स्टार्ट करके देखता हूँ कि इसके अंदर फ्यूल है, स्टार्ट हो पा रहा है। जब मुझे कन्फर्म हो जाए कि हाँ मेरा जो बाइक है ये सही है, स्टार्ट हो रहा है, फिर मैं इसकी जो यूनिट है वो निकाल के, वो वाला जो मेरे दोस्त की बाइक की जो यूनिट है वो इसके अंदर लगा के देख लूँगा, फिर क्या सीन बनता है। आज मैं ट्राई करता हूँ इसको स्टार्ट करने का। हाँ अभी मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ गाइस, नहीं हुआ पहली किक में, दूसरी भी नहीं, तीसरी में भी नहीं, चौथे में भी नहीं। देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया था लाइक यार इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो हाँ जिसकी वजह से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। लाइक मैं देखता हूँ और भी किक मार। वो वाला जो यूनिट है जो मैं अपने दोस्त की बाइक से लेके आ चुका हूँ वो उसके अंदर लगा के देखता हूँ कि वो वाला यूनिट इसको स्टार्ट कर पाता है कि नहीं। यहाँ से ये साइड कवर खोलूंगा फिर इसके अंदर होगा इसकी यूनिट। अपनी बाइक की जो साइड कवर है वो मैंने उतार दिया यार, बट द थिंग इज बहुत गंदी हुई है एज यू गाइस कैन सी, यहाँ पे रस्ट लगे हुए है बैटरी की। तो हाँ बाकी ये वाला यूनिट है इसको मैं उतार देता हूँ। मेरी जो बाइक की हाल देखो गाइस, फुल डेट हुआ पा रहा है यार। तो यहाँ से ये निकालता हूँ, ये वाला इसके अंदर इंस्टॉल करके देखता हूँ ये इसको स्टार्ट कर पाता है कि नहीं। अभी मैं इसके अंदर ये वाला यूनिट इंस्टॉल कर दिया यार, ये इसकी पुरानी है मेरी बाइक की अपनी यूनिट। अभी द मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ कह सकते हो यार, अभी पता चल जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं। तो होप्स हो कि ये खराब हो, यार अजीब ही सीन है। अगर तो ये खराब हो गया तो ठीक इस वजह से कि यार बस इसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत छोटी चीज़ है, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा उसकी बाइक के साथ। अगर तो ये ठीक हो गया तो उसकी बाइक डेफिनेटली वर्कशॉप ही लेके जाना पड़ेगा। लाइक यार मेरी जो बाइक है अगर तो स्टार्ट हो गया तो कंफर्म बात है कि उसकी बाइक में कोई और ही खराबी हो सकता है। तो अभी आ जाओ यार देखते हैं कि इसको स्टार्ट कर पाता है कि नहीं। ओ भाई साहब, ये जो यूनिट है ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है गाइस। लाइक यार इसको कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि यार उसकी बाइक में कोई और ही खराबी हो सकती है, कोई और चीज उसकी खराब हो चुका होगा। ये देख सकते हो आप लोग प्रॉपर वर्क कर रहा है यार इस बाइक के ऊपर भी। तो अभी क्या करना है, अभी मैं इसको उतारता हूँ यहाँ से। ये वाला जो यूनिट है यार इसको चेक करने के बाद अभी मैं इसको लेके घर से निकल चुका हूँ यार। अभी मुझे इसको लेके जाना है अपने दोस्त के पास, वहाँ पे जाके उसको देख के आते हैं यार, लाइक उसकी बाइक पे लगा के आते हैं। बहुत बुरा फील कर रहा हूँ उसके लिए क्योंकि उसकी बाइक में कोई और ही प्रॉब्लम हो सकता है यार। बाकी आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे भी कोई आइडिया नहीं हो रहा है यार। मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है लाइक जस्ट वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा। देखते यार अभी तो उसको लेके जाना होगा किसी अच्छे से वर्कशॉप पे, वहाँ पे जाके वो अपना काम करा सकते हैं। तो अभी आ जाओ यार मैं चल दूँ उसकी शॉप में एंड ये वाला जो यूनिट है इसको उसको दे के आता हूँ। फाइनली गाइस अपने दोस्त के पास मैं आ चुका हूँ यार एंड ये रही उसकी यूनिट। ये लो भाई साहब, एक बैड न्यूज है एक गुड न्यूज है, पहले कौन सी सुनाओ बता। गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है कि ये ठीक है। बैड न्यूज ये है कि तुझे उसको लेके वर्कशॉप जाना होगा अभी अपनी बाइक को, क्योंकि ये जो यूनिट है सीडीआई यूनिट ये ठीक है बिल्कुल यार। एक किक से ही मेरा बाइक स्टार्ट हो गया है। और वो क्या कहते हैं, एक और चीज चेक करना है इसका कार्पोरेटर। कार्पोरेटर बिल्कुल ही मसला नहीं, वो खोल के देखेंगे। बाकी ये बंदा यहाँ पे एज यूजुअल चिप्स वगैरह सेट। तो जैसे यहाँ से हम लोग फ्री हो जाएंगे फिर मैं इसको लेके जाऊंगा एंड इसकी बाइक और भी देखेंगे यार, के मुझसे जितना हो सका मैं देखूंगा, अगर तो वो ठीक नहीं हुआ फिर इसको डेफिनेटली उसको लेके जाना होगा किसी वर्कशॉप पे। फाइनली गाइस अपने दोस्त के पास आ चुका था लाइक इसके शॉप में बैठे थे हम लोग, अभी आ चुके हैं लाइक बाइक के पास। यहाँ पे मुझे लगाना चाबी दो ब्रो, ये वाला साइड कवर रिमूव करते हैं यार उसी तरह जिस तरह मैंने अपनी बाइक की थी। तो हाँ ये ज़रा टाइट हुआ है, यहाँ से मैंने निकाला था, यहाँ से देख सकते हो
इसमें फिर इंस्टॉल करूंगा, फिर देखते हैं कि स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। ओके गाइस, जो चीज़ मैं लेके आ गया था अपने बाइक पे टेस्ट करने के लिए अपने दोस्त की बाइक से निकाल कर, वो मैं उसकी एक बाइक पे फिर से लगा के आ चुका हूँ यार। बस अभी घर पहुँच चुका हूँ, शाम हो चुकी है, आई थिंक सो के 5:50 हो रहा है यार। मैं यहाँ से लाइट ऑन करता हूँ तो हाँ हो गया, लाइट भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अभी क्या करना है यार, अभी तो यार कुछ पता नहीं चल रहा कि उसमें मसला क्या है। लाइक यार यहाँ से हम उसको बाज़ार लेके जाएंगे, लाइक यार वर्कशॉप लेके जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है यार उसके ऊपर। कसम से मुझे भी अजीब लग रहा है यार, कुछ पता नहीं चल रहा, अजीब ही, बस किक मारो तो स्टार्ट ही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो हम लोग सोच रहे हैं यार जिधर हमारा एकेडमी है उसके साथ ही एक वर्कशॉप है, लाइक छोटा मोटा वर्कशॉप, वहाँ पे कल हम लोग उसको लेके जाएंगे एकेडमी जाते वक्त। बाकी आप लोग वो वाला व्लॉग कल देखना यार, तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगा हूँ। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आप लोग को पसंद आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह कल, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। सेट कर रहे यार, तो हाँ यहाँ से जैसे मुझे व्लॉग बनाने दो, खुदा के बंदे।